FBR BTB zone in action, commercial जायदादों के मालिकान को नोटिस जारी। 5000 गाड़ियां खरीदने वाले गैर रजिस्टर्ड लाहौरियों को भी नोटिस जारी कर दिए हैं। आपको बताएं कि FBR BTB zone की जानिब से एक्शन लिया गया है, कमर्शियल जायदादों के मालिकान को नोटिस जारी किए गए हैं। इसी पर बात के लिए कि हमारे साथ मौजूद हैं शब्बीर हैदर। जी शब्बीर जी, FBR BTB zone ने कमर्शियल जायदादों के मालिकान और 5000 गाड़ियां खरीदने वाले गैर रजिस्टर्ड लाहौरियों को नोटिस जारी कर दिए हैं, जिसमें FBR के BTB zone ने 183 गैर रजिस्टर्ड लाहौरियों को नोटिस जारी किए हैं। BTB zone ने साइज LDA और मुख्तलिफ हाउसिंग स्कीमों से कमर्शियल जायदादों का रिकॉर्ड भी हासिल कर लिया है। इसमें जराये का कहना है कि गुज़श्ता 2 सालों के दौरान अपने नाम पर जो 5 गाड़ियां खरीदने वाले हैं, शहरियों का जो रिकॉर्ड व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों से भी ले लिया गया है। इस हवाले से FBR के BTB zone ने कमर्शियल जायदादें 5 गाड़ियां खरीदने वाले 42 लाहौरियों को टैक्स नेट में भी शामिल कर लिया है। जी शबीर हैदर, ये भी बताएगा कि महकमा लोकल गवर्नमेंट का साल 2012 और 2013 का ऑडिट भी शुरू कर दिया गया है। जी, FBR ने सेक्टरी लोकल गवर्नमेंट के गिर्द घेरा तंग करते हुए सेक्टरी लोकल गवर्नमेंट को शोकाज नोटिस भी जारी कर दिया है। महकमा लोकल गवर्नमेंट का साल 2012 और 13 का ऑर्डर शुरू किया गया है, जिसमें लोकल गवर्नमेंट का इनकम टैक्स में कम कटौती करने की वजह से ये सेक्टरी को शोकाज नोटिस जारी किया गया है। इसमें FBR का कहना है कि सेक्टरी लोकल गवर्नमेंट को शोकाज का जवाब देने के लिए 10 रोज की मोहलत दी गई है। अगर वो अपने 10 रोज के अंदर जवाब जमा नहीं करवाता तो उसके खिलाफ फैसला किया जाएगा। जी शुक्रिया शबीर।